नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे प्रिंसेस ओमेन डायमंड्स ओमेन के बीच जो होगा शेचेम पंडिचेरी ओमेन स्टेट एंड का आज का दिन का सेकंड मैच। दोस्तों, वॉइस थोड़ा सा लो आ सकता है बिकॉज जो मतलब हेल्थ इश्यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अभी, बट चलो कोई ना, हम लोग फोकस करते हैं एनालिसिस में। होप आप सपोर्ट करोगे और शेयर करोगे आपके दोस्तों के साथ। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दोगे। एनालिसिस पॉइंट में आता हूँ फिर से एक बार, बट हाँ, उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल अपडेट, फॉर फ्यूचर अपडेट। मैं ECS के मैचेस कवर कर रहा हूँ फिलहाल, स्वीडन T10 वगैरह। साथ ही साथ हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों पंडिचेरी के ओमेन्स सीरीज़, ठीक है। दो सीरीज़ हो गया और इसके साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस का एक्सचेंज 22 एंड कुबेरा के पीक दूँ, जहाँ पे मैं पर्सनली खेलता हूँ। दोनों ऐप का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, चाहो तो खेल सकते हो। बट खेलने से पहले एक बार जाके टेलीग्राम पे देख लो विनिंग्स वगैरह और समझ लो, उसके बाद मन का चाहा तो खेलो वरना मत खेलो। आता हूँ एनालिसिस में। पार्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, 70 रन के आसपास एवरेज स्कोर। वुमेन्स क्रिकेट है, यहाँ पे 50 पे भी टीम खत्म हो सकता है। ऐसा भी आपको दिखेगा कि 2 विकेट गिरा पर टीम ने 50 रन बनाया, ये पॉसिबल है। मैं पहले से बता रहा हूँ जिनको खेलना है, बाद में दोस्तों लड़की है गाली मत देना, बट ये हो सकता है, ठीक है। ये सोचते हुए ही खेलो कि ऐसा पॉसिबल है, कि ऐसा नहीं कि टीम रन नहीं बना पा रहे तो हम लोग आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत दोस्तों कंसिस्टेंट होते हैं कि 20 बॉल में 15 रन बनाएंगे, ऐसे ही खेलेंगे। प्रिंसेस प्लेयर्स के अगर देखोगे तो ओपन करेगा पूनम खिमार सैली अनिल लोंगकार के साथ, 1 डाउन रीना टी। दोस्तों, रीना टी बहुत अच्छी प्लेयर है, बट इनका मुझे समझ नहीं आता है डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस इतना गिर क्यों जाता है, बट प्लेयर बहुत सॉलिड है, ठीक है। डिफेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे आपके लिए, मस्ट पिक तो जरूर से। स्टेट लेवल प्लेयर है नंदिनी चंद्रशेखरन। एक और मैं बात कर रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक मैचेस बहुत कवर करता हूँ और डोमेस्टिक में मेरा पहला दोस्तों लॉजिक होता है कि मुझे स्टेट लेवल के प्लेयर्स को रखना है, और दूसरा लॉजिक होता है हमें बॉलर्स को रखना है, ठीक है। बॉलर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स मेरा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एंड स्टेट लेवल के प्लेयर्स, ठीक है। अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। नंदिनी चंद्रशेखरन, ये दोस्तों 6 मतलब 6 22 मतलब क्या है कि लास्ट ईयर 2022 में जून मंथ में एक सीरीज हुआ था वुमेन्स T10 का और जुलाई में एक हुआ था, तो मैं सोचा दोनों रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करूं। तो 6 में जून वाला है और 7 में जुलाई वाला है, 7 लास्ट है, ठीक है। जून मंथ में 7 मैच 13 ओवर में 4 विकेट था नंदिनी का, और जुलाई में 6 मैच 11 ओवर में 5 विकेट। दोनों में एवरेज विकेट टेकिंग एबिलिटी था इनका, बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है। T20 का मतलब है ये T20 किसके लिए खेला होगा, पंडिचेरी के लिए खेला होगा दोस्तों। T20 पंडिचेरी ओमेन्स, मैंने नीचे देखो मेंशन भी किया, डोमेस्टिक T20 में डू नॉट बैट 12-0 विकेट, 3-2 विकेट, 0-1 विकेट। ये कब का है, T10 का है, मतलब लास्ट 5 इनिंग्स इनका जो जहाँ पे खेला है मैच सब कुछ आपके साथ शेयर किया। जो ये T20 है ये ओमेन्स वाला है, पंडिचेरी ओमेन्स। मैं बार बार इतना डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा ताकि आपका वीडियो बहुत बड़ा होगा इसमें, ठीक है। होप आप समझ जाओगे, कहीं पे भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, मैं आपको जरूर से आंसर करूंगा और फीडबैक जरूर देना, ठीक है। अब देखो नेहा सीतारामन 7 मैच में सिर्फ 1 रन बनाया, इग्नोर करेंगे, ज़्यादातर मैच में बैटिंग नहीं मिला। सोनाली अनिल लोंगकार, इन्होंने ना डोमेस्टिक ODI में 14 और T20 में 49 तेज 10 डू नॉट बैट, किसके लिए खेला है, ये महाराष्ट्र वुमेन मतलब स्टेट लेवल खेल चुकी है। तो स्टेट लेवल मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको, मैं अपनी टीम में रखना पसंद करूंगा, तो मैं ट्राई करूंगा ये हमारी टीम में जरूर रहे, ठीक है। तनिष्का सेन का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, अगर होता है तो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले लाइनअप्स आ जाता है। आई ट्राई माय बेस्ट कि जो भी है रिकॉर्ड शेयर करूँ आपके साथ। फिलहाल हमें दोस्तों बहुत सारे ECS के मैचेस भी कवर करना है, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल्स एनालिसिस मतलब जो प्लेयर मिसिंग है उनका नहीं किया, जो प्लेयर खेल रहे हैं सिर्फ उनका किया। धनुश्री सिवारामन ने 6 मतलब जून मंथ वाला 7 मतलब जुलाई मंथ वाला दोनों में फ्लॉप, नहीं लूँगा मैं। हेमारी अरमा भूमतन जो भी नाम समझ रहे हो ना दोस्तों, 6-7 दोनों में फ्लॉप है। लीला तेजस्वनी 6 में दोस्तों 8 ओवर डाल के 6 विकेट निकाला 6 ओवर में, बट 7 में इसने 6 ओवर में 12 ओवर कंप्लीट कराया, हर मैच में 2 ओवर 1 विकेट मिला है, बट ओवर तो कंप्लीट करा रही है ना हर मैच में। देखो इनका परफॉर्मेंस डिसेंट, बॉलिंग के बैटिंग के साथ कुछ खास है नहीं, बट स्टिल मेरी टीम का मस्ट पिक बन जाएंगे क्योंकि बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकती है, स्पेशली बॉलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटिंग से 1 आधा रन डजेंट मैटर, बट बॉलिंग से अगर 1 विकेट निकाल गई तो 25 सीधा पॉइंट, 33 भी हो सकता है वो पॉइंट। पूनम खेमान ने दोस्तों जून मंथ वाला सीजन खेला, 6 मैच में इन्होंने 12 ओवर में 4 विकेट और बैटिंग से 16 रन, कमाल की प्लेयर है। T20 किसके लिए खेलती है, नागालैंड वुमेन्स के लिए खेलती है, डेफिनेटली हमारे लिए मस्ट पिक होना चाहिए। रीना टी दोस्तों 6 मतलब जून में 6 मैच में 9 ओवर सिर्फ डाली थी, 3 विकेट था इनका, 32 रन। जुलाई में 6 मैच में 11 ओवर था, सिर्फ 2 विकेट है, 71 रन। दोस्तों ये ना स्टेट लेवल प्लेयर है पंडिचेरी का, सीनियर प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बट मुझे समझ नहीं आया अब तक कि इन्होंने
जो भी T20 सीरीज खेलता है क्यों फ्लॉप हो जाता है, चलो हो सकता है क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, रेडी रहना है हमें। और उमा महेश्वरी ने सात, मतलब जो लास्ट सीजन हुआ था जुलाई मंथ, उसमें 6 मैच में 11 ओवर में 5 विकेट निकाली। अभिराम रमा मूर्ति दोस्तों जून मंथ वाला सीजन में 6 मैच 12 ओवर में 1 विकेट, बट जुलाई मंथ में 7 मैच में 14 ओवर में 1 विकेट है। लास्ट 5 इनिंग्स में कुछ ऐसा 1-0-0-0-0 पांडिचेरी वुमेन के लिए स्टेट लेवल खेल दिया, तो हमने लेके चल सकते हो आप। पेसर है ना, पेसर में क्या होता है कि वुमेन्स क्रिकेट में मैंने नोटिस किया पेसर्स थोड़ी सी विकेट लेस ज़्यादा जाती है, ये बात देखना, और स्पिनर्स थोड़े से ज़्यादा विकेट निकालती है और पेसर्स थोड़े से कम, तो स्पिनर्स हुआ तो आप एक मतलब रिस्क ज़्यादा ले सकते हो स्पिनर्स के साथ, रिस्क यू कैन डिसाइड। जैसे कि सिकल लेग स्पिन बॉलर जून मंथ में 6 मैच में 1 ही ओवर डाला, सिर्फ 20 रन किया, बट जुलाई में इसने 6 मैच में 11 ओवर डाली है इन्होंने और 3 विकेट भी निकाली थी 77 रन बैटिंग के साथ, डिसेंट ऑप्शन 19 के एवरेज से। डायमंड वुमेन से स्टार्ट कर रहा हूँ एनालिसिस एक बार फिर से, तो अब तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट ज्वाइन कर लो फाइनल अपडेट फ्यूचर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल। गौतमी नायक जी ओपन कराएंगे कभी शाह के साथ वन डाउन, अर्शना पतिदार, फिर यशी, फिर आएगा सलोनी डंगोरे, फिर जी मुरुगेसन, कुछ ऐसा होगा इनका बैटिंग ऑर्डर, फिर अंजन अबीजी। अब देखो इनके प्लेस में ना पतिदार मध्य प्रदेश के लिए खेल चुकी है, टॉप ऑर्डर में आ सकती है अर्शना पतिदार, ट्राई करेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश स्टेट लेवल है। यशी पंडे दोस्तों छत्तीसगढ़ वुमेन्स है बट रिकॉर्ड ज़्यादा खास नहीं इनसे, बेटर है पतिदार का, मैं पतिदार प्रेफर करूँगा, अगर बड़े प्लेयर्स एबसेंट रहा तो यशी पांडे जी के साथ भी जा सकते हो, छत्तीसगढ़ वुमेन के लिए खेलती है। बी शिवापुर कसम जुलाई मंथ में 1 मैच खेला, कुछ खास था नहीं जुलाई T10 में दोस्तों, पांडिचेरी वुमेन्स लास्ट ईयर जुलाई मंथ में जो हुआ था। गौतमी नायक जून मंथ वाला T10 खेला था, 7 मैच में 130 रन 14 ओवर में 8 विकेट, क्या ही परफॉर्मेंस है इनका, बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकते हो, और ये नागालैंड के लिए स्टेट लेवल भी खेलती है, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेटली गो टू मस्ट पिक है, कैप भी से बना सकते हो। डोंगरे डिफरेंशियल हो सकता है डोमेस्टिक ओडीआई में 2 विकेट और T20 में 1-0-1-1, मध्य प्रदेश के लिए स्टेट लेवल खेलती है, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे मध्य प्रदेश के प्लेयर आपको दिखेंगे 6-7 जून जुलाई दोनों में फ्लॉप है, बिथा रागाभिका अंजना भी 6-7 दोस्तों दोनों में कुछ खास है नहीं, और बैट्समैन के साथ रिस्क लेने से बेटर है एक बॉलर के साथ रिस्क लो, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आप किसी बैट्समैन के साथ रिस्क ले रहे हो वो बैट्समैन 4-5 रन बनाया, आप किसी बॉलर के साथ रिस्क ले रहे हो वो बॉलर बॉलिंग नहीं डाला, या फिर दोस्तों उस बॉलर ने दोस्तों 1 ओवर में 9 रन खा गया विकेटलेस, तो दोस्तों आपके बैट्समैन ज़्यादा पॉइंट देंगे, तो ये आपके ऊपर है, आपको बैट्समैन जो है सेफ, मतलब हिट टू हिट मैचेस में बैट्समैन थोड़े सेफ होते हैं, वहाँ पे दोस्तों आप अगर किसी बैट्समैन के साथ जा रहे हो वो अगर कुछ भी रन बनाए आपको विन करा देगा, बट अगर आप बड़े लीग्स खेल रहे हो या फिर दोस्तों 4 मेंबर्स खेल रहे हो, तो मेरा मानना है कि बॉलर्स आपको अपर हैंड दे सकते हैं, क्योंकि जब आप बैट्समैन के साथ रिस्क लोगे आपके ओपोनेंट किसी ना किसी बॉलर के साथ रिस्क लेगा, एक दो बैट्समैन का पॉइंट एक बॉलर अकेले दे सकता है, तो दोस्तों 3 बैट्समैन का पॉइंट एक बॉलर भी अकेले दे सकता है, या फिर दोस्तों मान लो 6 बैट्समैन का पॉइंट 2 से 3 बॉलर अकेले दे देगा, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बॉलर्स पॉइंट्स दे ज़्यादा सकते हैं, तो मैं बॉलर प्रेफर करता हूँ, स्पेशली अगर आप 3 मेंबर्स खेल लो तो बॉलर्स के साथ जरूर रिस्क लो, अगर हेड टू हेड खेल लो तो बैट्समैन के साथ सेफ जाओ, चुपचाप रहो, आपका ओपोनेंट मिस्टेक किया तो आप विन कर लोगे। जी मुरुगेसन ने जून मंथ में 7 मैच में 13 ओवर 7 विकेट और जुलाई में 7 मैच 12 ओवर में 2 विकेट, बट ओवर इनका कंप्लीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कविशा का दोस्तों बैट बॉल दोनों से पॉइंट है, जून मंथ में 7 मैच 85 रन 12 ओवर 4 और जुलाई मंथ में 7 मैच 132 रन बहुत अच्छा 13 ओवर में 3 विकेट। सागरिका बैट बॉल दोनों से कुछ खास किया नहीं है जून एंड जुलाई दोनों में। श्रीमेरा SCC चंद्रशेखरन बॉलिंग के साथ जून मंथ में 6 मैच 11 ओवर में 1 विकेट बट जुलाई में 7 मैच 14 ओवर में 5 विकेट, जरूर आप अपने टीम में श्रीमेरा CC चंद्रशेखरन को ट्राई कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारे फिलहाल ड्रीम इलेवन टीम में, दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम। बी रघवी का विकी सेक्शन में कुछ बहुत खास पिक नहीं है, बिंदास आपका अकॉर्डिंग आपके लीग के अकॉर्डिंग, मेरा सबसे पहले मानना है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, मैं अगर खेला तो जरूर से करूँगा, अदरवाइज भी करूँगा, कि कौन सा प्लेयर कौन सी प्लेयर आपको विकी करते हुए दिखेंगी इस मैच में, आपको क्या करना है, सिंपल उनको लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर टॉप ऑर्डर में फंस गया आपका तो ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है, क्योंकि आपको विकीज के साथ जाना है, आप किसी विकी सेक्शन से किसी प्लेयर को ले रही हो और वो विकी नहीं करेंगी तो दोस्तों आप ना फंस जाओगे, मेरा मानना है विकी के साथ जाना बेस्ट होगा, जो विकेट कीपिंग करेंगी, सिर्फ विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगी ऐसा नहीं है, जो कीपिंग करेंगी, ये इन्फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। कविशा हमारे पास है SS चंद्रशेखरन एन चंद्रशेखरन, पी नाना साहेब हमारे पास है, जी नायक SBC, कैप्टन है पी नाना साहेब और वाइस कैप्टन है गौतमी नायक, ए सीकर हमारे पास, रीना टी हमारे पास, एस डंगोरे, एल तेजस्वनी, जी मुरुगेसन, बहुत अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, थोड़ा थोड़ा बैटिंग कर लेंगी नहीं बात अलग है, बट बॉलिंग जरूर कर लेंगी, ठीक है,
अभी रहा मैं बी को मैंने नहीं लिया, कुछ ऐसे प्लेयर्स को मैंने नहीं लिया, चाहो तो उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, वेरी डिसेंट ऑप्शन। रीना टी दोस्तों बहुत सॉलिड प्लेयर है, कब चलेंगी पता नहीं, बट जब चलेंगी बहुत दूर चल सकती है, तो ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टनसी बना सकते हो। कविशा को भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना है इस कैप्टनसी। फिलहाल के लिए गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज, बट इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ दोस्तों, डेमो टीम हुआ, शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों आपको सबसे पहले और तुरंत जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम चैनल पर।